नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूँ रीना। आज हम बात करेंगे सूर्य उपनिषद के बारे में। सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय होता है। आइए जानते हैं कैसे। भारतीय संस्कृत वांगे की सनातन परंपरा में भगवान भास्कर का स्थान अप्रतिम है। समस्त वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। वास्तव में भारतीय सनातन धर्म सूर्य की महिमा के आलोकित है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, विश्व की आत्मा हैं। सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय होता है, ऐसा सूर्य उपनिषद में कहा गया है। सूर्य उपासना का विधान वेदों के अतिरिक्त सूर्य उपनिषद, चाक्षुपनिषद उपनिषदों में भी है। भगवान भानु अन्य रोगों के साथ साथ नेत्र रोगों को दूर करने वाले हैं। न तस्याशी रोगो भवति, ऐसा अक्षय परिषद में लिखा है। पुराण वचन में आरोग्यम भास्करादिच्छेदतः परम परिषद है। भगवान सूर्य सबका कल्याण करने वाले हैं। समय के विधायक अर्थात व्यवहार व्यवस्था नियामक ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष सूर्य के अधीन है। सूर्य देवता ही दिन रात के काल का विभाजन करते हैं। भगवान भास्कर ही सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल कारण है। सूर्य देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप हैं। वह त्रिदेवमय हैं। सूर्य ग्रहों का राजा और प्रवर्तक हैं। सूर्य देव आकाश मंडल के प्रतिदिन नियम से उपस्थित होकर संसार का संचालन करते हैं। आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र, ग्रह और राशिमंडल इन्हीं की शक्ति पर टिके हुए हैं। रात्रि में सोया हुआ मनुष्य प्रातःकाल सूर्य के आगमन पर पुनः जागृत हो जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य देव ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करते हैं। यथर्थवेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है। सूर्य की किरणें समुद्र के खारे जल को स्वयं पीकर प्राणियों को मीठा जल वर्षा के रूप में प्रदान करती है। पुराणों में तो सूर्य की प्रशंसा भरी पड़ी है। सूर्य पुराण में सूर्य के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य की उपासना से कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी ठीक हो जाते हैं। सूर्य की पत्नी छाया देवी तथा पुत्र शनिश्चर व यम हैं। सूर्य देव राजस्थान माणिक्य के अधिदेवता हैं और वास्तव में अश्व एक ही है, किंतु उसके सात नाम होने के कारण सात अश्व कहे जाते हैं। उस एक चक्र में ही भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों नाभियाँ हैं। सूर्य की किरणों में से 400 किरणें जल बरसाती हैं, 30 किरणें हिम अर्थात शीत उत्पन्न करती हैं। सूर्यदेव से औषधि शक्तियां बढ़ती हैं। अग्नि में आहुति सूर्यदेव तक पहुंचकर अन्न उत्पन्न करती है। यज्ञ में प्रज्ञा और पंजे से अन्न का होना शास्त्र सिद्ध है। इस व्यस्त जीवन में से कुछ समय चुराएं और कम से कम उस प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को हृदय से प्रणाम करें कि आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य और जीवन चल रहा है। कम से कम सूर्यदेव के आने और जाने पर उन्हें भाव प्रणाम तो किया ही जाना चाहिए, इससे आत्मबल में वृद्धि होती है। वैसे तो हमें चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया के बाद साफ वस्त्र पहनकर ग्रह राज भगवान सूर्यदेव जी का स्वागत करने के लिए उनके आगमन से पहले तैयार हो जाएं और उनके आते ही बड़े आदर से चंदन, पुष्प आदि से युक्त शुद्ध ताजे जल से अर्घ प्रदान करें, उनकी स्तुति करें। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उनको अर्घ देना चाहिए। वह सायं संध्या उत्तम कहलाती है जो सूर्य के रहते की जाए तथा मध्यम वह है जो सूर्यास्त होने की जाए और अधम वह है जो तारों को दिखाई देने पर की जाए, ऐसा देवी भागवत में वर्णित है। आत्मा सूर्य संहिता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारों कोपते साय संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्य के रहते की हुई संध्या उत्तम, सूर्यास्त होने के बाद की गई संध्या मध्यम तथा तारे उदय होने के बाद कनिष्ठ। इस प्रकार साय संध्या 3 प्रकार की कही गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।